कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा 26 मई को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें 30 जून तक रिक्ति गणना करके सभी जिला को समर्पित कर देना था, वो भी छात्र शिक्षक अनुपात में, तो वही मधेपुरा जिला से अभी तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं जो रिक्ति जितना अभी आया है जिला में। तो इसी को लेकर के हम लोग डीओ साहब से मेनली हम लोग का मोटिव था कि छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्ति जो कि 30:1 और 35:1 रेशियो का है, उस रेशियो में छात्र शिक्षक अनुपात में जो है रिक्ति आए, इसको लेकर के हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने आ जाए थे। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो है चिट्ठी भी जारी हुआ है, कल भी शुद्धि पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जारी हुआ है जिसमें कि 11 जुलाई तक का डेडलाइन दिया गया है कि 11 जुलाई तक में हर हाल में जो है रिक्ति हर एक जिला से जहां से अभी तक नहीं आ पाया है वो आ जाए, जिससे और जिससे कि जल्दी रोस्टर हम लोग का क्लियर हो जाए और 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जो है हम लोग का वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। तो इसी सब मुद्दा को लेकर के हम लोग जो हमारे नए जिला शिक्षा पदाधिकारी सर ज्वाइन किए हैं मधेपुरा में, तो उनसे अपना मांग को लेकर के आए थे और अभी हम लोग मिल चुके हैं सर से, पूरा आश्वस्त किए जिला शिक्षा पदाधिकारी सर ने कि जो आप लोग का मांग है उस पर कल ही हम लोग जो है चिट्ठी जारी कर दिए हैं 7 जुलाई को ही, और आप लोग जिस रेशियो का मांग कर रहे हैं उसी रेशियो पे एकदम जो है रिक्ति आएगा और जल्द से जल्द जो विभाग का निर्देश अनुसार है उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ राज, जिलाध्यक्ष भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधेपुरा।